दोस्तों, मैं आपका सारी संदीप सपोर्ट हिमानिटी से और मैं हूं अभी पांडव नगर में। कल पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक 4 साल की बच्ची से बलात्कार की एक घटना हुई, उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश हुआ। पांडव नगर की आक्रोश दिखाया। पांडव नगर में कल से ही पुलिस का पूरा डेरा बना हुआ है। उसी स्थिति का जायजा लेने के लिए आज इस दिल्ली के DCP अपूर्व गुप्ता जी ने पांडव नगर का दौरा किया। जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी उन बातों में ना आए, पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की है, उसमें कहीं भी कोई कमी पेशी की गुंजाइश हमने नहीं छोड़ी है। थोड़ा भरोसा रखें, जो कल्प्रिट है उसको डेफिनेटली सजा मिलेगी। मेरी बस यही अपील है कि आज होली का त्यौहार है, सब अपने घर में शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं। इस तरह से उत्तेजना भरी बातों में आकर शांति भंग न करें और कानून व्यवस्था बनाए रखें। जो वाक्य कल पांडव नगर में एक वाक्य हुआ, तो आज होली है, आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं ईस्ट दिल्ली की DCP अपूर्वा गुप्ता जी और सभी तरफ जो भी यहाँ पे मुआयना हुआ है, घूमे हैं, सभी तरफ शांति का माहौल है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अटकलें जो होती हैं, एक तरह से आप अगर हिंदी का शब्द यूज करो तो वो लगाई जा रही थी, तो इसलिए मेरी लोगों से यही विनती है कि सोशल मीडिया के मैसेजेस और इस तरह के मैसेजेस को फेस वैल्यू पे ना लें और एक बार गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू फैक्ट चेकिंग जरूर करें और उसके बाद ही किसी बात पर विश्वास करें। गलत संदेश ना दें। देखिए, होली रंगों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है। पुलिस की जो व्यवस्था है यहाँ पे, कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है और जो कल्पित थे उनको जो पुलिस का लीगल कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। तो आप सभी किसी भी तरह की गलत अफवाहें ना फैलाएं और सहयोग करें पुलिस के काम में। मैं आपका साथी संदीप सपोर्ट ह्यूमैनिटी से, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से भी प्रार्थना है, कोई भी गलत अफवाह ना फैलाएं, शांति बनाए रखें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।